ठीक है। तो हाँ, ये पीडीएफ जो है इसमें जो हम बोर्ड पे जो भी लिखा जा रहा है ये भी मिलेगी। तो आज हम करेंगे, कल तक हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो भी थे वो सारे अपने ख़त्म कर लिए थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तक। तो आज कुछ एप्लीकेशंस का पार्ट बचा है छोटा सा, वो ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद फिर डायरेक्टली हम अपनी एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशंस है, छोटा सा पार्ट है और ईजी भी है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स, मतलब ये सारे जो हमने पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में, ये सारे तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास है डायपोल मोमेंट का। क्या डायपोल मोमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है इससे? तो CH3 H H, और एक मॉलिक्यूल है मेरे पास ये वाला CH3 CH3 HNH। तो हमें डायपोल मोमेंट बतानी है इन दोनों के केस में, मतलब वैल्यूज़ नहीं बतानी, बस दोनों में कंपैरिजन करना है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसमें मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ इस सी की और एच की? तो डायपोल, वो अगर मतलब डायपोल मोमेंट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया हो किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बात करूँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। बाकी और अगर मैं बात करूँ इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों सेम नंबर ऑफ सब्सिट्यूएंट से अटैच्ड है, सेम है एकदम, अगर देखा जाए सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करूं तो इन दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बताओ? मैम विच टू कार्बन, क्या मैम कौन से कार्बन? ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यस मैम, है ना? क्योंकि ये वाला कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। और इसकी क्या है sp3। तो इनमें होता है sp2 वाला जो होता है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज कार्बन, वो क्या होगा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp3 वाला। तो हमारी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी, क्योंकि टूवर्ड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, है ना। इस केस में भी सेम यही है, इस वाले बॉन्ड और इस वाले कार्बन के बीच के बॉन्ड के अगर हम बात करें तो उसकी डायरेक्शन भी ऐसी कुछ होगी। तो इसका म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जीरो वैल्यू नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी इसकी। तो मैं इसको लिख लेती हूँ म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इस केस में बात करूँ तो इस कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसकी डायरेक्शन होगी कुछ ऐसी। और अगर इसकी बात करूँ यहाँ वाले इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो इसकी डायरेक्शन कुछ होगी ऐसी, क्योंकि यहाँ पे भी sp2 है ये और वो sp3 है। तो अब क्योंकि ये इक्वल होंगे अमाउंट में, और अगर देखा जाए तो ये ऑपोजिट भी है डायरेक्शन में, तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो जीरो। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या पता चला कि डायपोल मोमेंट हम कैसे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में कैसा आइडिया लग सकता है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल देखो, सी एल ठीक है, 1 2 3। तो इसमें अगर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना हो तो क्या होगा, किसकी सबसे ज्यादा होगी? 1, फिर 2, फिर 3। 1 2 एंड 3। 1 greater than 2 greater than 3। तो डायपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? इसकी तरफ और इसकी तरफ। यहाँ पे ये होगा और ये होगा, तो रिजल्टेंट दोनों में जो ज़्यादा होगा वो 1 में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका रिजल्टेंट 1 का डायपोल मोमेंट का ज़्यादा होगा, अगर दोनों बॉन्ड्स का हम रिजल्टेंट निकालें तो वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ से जो इन दोनों बॉन्ड्स का जो डायपोल मोमेंट का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो। और इस पर क्या होगा, एक यहाँ का यहाँ पे और एक इधर का, ये वाला डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो इस वजह से इसकी म्यू क्या हो जाएगी? जीरो ही हो जाएगी, तो ये सबसे कम होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो बहुत ईजी है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
CH3 Cl और कुछ ऐसे CH3 Cl, तो 1, 2 and 3 इनमें क्या होगा डायपोल मोमेंट का ऑर्डर इन तीनों मॉलिक्यूल्स में? थर्ड सेकंड फर्स्ट 3-1 यस में 3-1 होगा, क्योंकि इसमें जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अगर देखो अगर इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी क्योंकि ये वाला कार्बन क्या है sp2 है ये sp3 है तो sp2 की तरफ होगी और इसकी होगी यहाँ पे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होगी यहाँ पे इसकी तरफ होगी और यहाँ पे इसकी तरफ होगी ये भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रही होगी लेकिन यहाँ पे कैंसिल आउट वाला जो इफेक्ट है वो कम होगा यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं दोनों के दोनों तो इस वजह से सबसे ज़्यादा किसकी होगी क्योंकि दोनों की सेम डायरेक्शन है इस वजह से थर्ड ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन वन ठीक है तो ये तो चीज़ें बहुत ईजी हैं ये चीज़ें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है इसमें कुछ तो कोई भी एटम है यहाँ पे मान लो कोई भी जेड है तो इसमें म्यू ज़ीरो होगा कब कब जब जेड क्या होगा या तो मोनोटॉमिक एटम हो क्या एक ही एटम का बनाओ मोनोटॉमिक एटम हो इस केस में तो मतलब हमेशा ही ज़ीरो होगा ठीक है और या फिर क्या हो सकता है जेड क्या हो एक लीनियर मॉलिक्यूल हो तो इस अगर ये क्योंकि जेड और जेड दोनों सेम है तो अगर या तो मोनोटॉमिक एटम होगा तब जीरो होगा या फिर लीनियर मॉलिक्यूल होगा तब जीरो होगा ऐसे में केस में ठीक है ज़रूरी नहीं है क्या अगर ये मॉलिक्यूल्स अलग हैं या मोनोटॉमिक नहीं है कब जीरो नहीं होगा उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं एग्जांपल से ज़्यादा पता चलेगा ठीक है पहले तो ये देख लो कि जीरो किस किस केस में हो रहे हैं अगर यहाँ पे फ्लोरीन लगाओ तो यहाँ पे जीरो हो सकता है ठीक है अगर मान लो साइनाइड लगा दें साइनाइड इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्ड का है तो इस केस में भी जीरो होगा और क्या लगा सकते हैं और C ट्रिपल बॉन्ड C H ठीक है यहाँ पे H तो इस केस में भी इन तीनों केस में क्या होगा म्यू जीरो होगा इसका भी म्यू जीरो क्योंकि एटम सेम है अब या तो मोनोटॉमिक है या फिर वो इस केस में तो मोनोटॉमिक है क्या एक ही एटम का बना हुआ है हमारा मॉलिक्यूल और इस केस में क्या है साइनाइड है जो कि लीनियर है और इस केस में क्या है ये C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइल मतलब एल्काइन वाला मॉलिक्यूल है ठीक है तो ये सारे लीनियर मॉलिक्यूल है तो इन सब में म्यू जीरो होगा इसमें कुछ नया नहीं है पहले पढ़ चुके होंगे आई एम श्योर नेक्स्ट देखते हैं एक मॉलिक्यूल है COO- और COO-, इसमें बताओ इसमें जीरो होगा या नहीं होगा डायपोल मोमेंट बताओ मैम नॉन जीरो अच्छा और कोई मैम नहीं होगा क्या आयुष मैम डायपोल मोमेंट नहीं होगा डायपोल मोमेंट होगा नहीं होगा नहीं होगा हाँ जीरो होगा इसका देखते हैं कैसे होगा जीरो ठीक है ऑल्दो ना तो ये मोनोटॉमिक है और ना ही कार्बोक्सिलेट आयन हमारा क्या होता है लीनियर भी नहीं होता लेकिन ये फिर भी जीरो हो सकता है कैसे मतलब हमें पता होना चाहिए कैसे कर सकते हैं हमें सी ओ ओ मतलब हम सी ओ नेगेटिव का क्या बना लेते हैं हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे क्योंकि एक्चुअल में वो एग्जिस्ट तो ऐसे ही करता है ना रेजोनेंस होती है इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है हाइब्रिड वाला ही होता है तो सी ओ मतलब सिर्फ कार्बोक्सिलेट आयन का तो -1/2 -1/2 क्योंकि चार्ज दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो उसमें जीरो हो रही या नहीं हो रही क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है कैसा है सिमेट्रिक है O नेगेटिव है तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है ये हमारा सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या दे रहा है ये हमारी म्यू जीरो दे रहा है जो इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा वो इक्वल होगा और एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये म्यू जीरो है कब नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में उसका एग्जाम्पल देखते हैं OH है ये इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होती इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है क्यों देखने में तो हमें ऐसे लग रहे हैं कि सिमेट्रिक टाइप ही है पर नहीं है क्यों नहीं है
ओ है, अब ये ओ ने एच के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके पास क्या है, दो लोन पेयर्स हैं, तो हो सकता है एच कुछ इस साइड पे हो सकता है ये वाला एच, हो सकता है इसका इस साइड पे हो। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ओ अगर इसका इस साइड पे है तो हो सकता है वो इस साइड पे हो, ठीक है। तो इस केस में तो क्या होगा, इस केस में तो म्यू जीरो होगा, क्योंकि एक तरीके से ये मतलब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। एक सेकेंड, म्यू इक्वल टू जीरो, इस वाले मॉलिक्यूल का मी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो ओवरऑल, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ओवरऑल क्या है, इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इस वाले मतलब हो सकता है फिनॉल तो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो दोनों कॉन्फर्मेशन में रह रहा होगा, ठीक है। हो सकता है बॉन्ड्स में रोटेशन भी चल रही हो, तो वो यहाँ पे भी कभी कभार वो ऐसे वाले में पाया जाएगा, कभी बार वो ऐसे वाले में पाया जाएगा। तो इस वाले मॉलिक्यूल में तो जीरो हो रही होगी, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, लेकिन ओवरऑल इस वजह से ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की क्या बन जाती है, क्योंकि ये भी है और ये भी है, तो ओवरऑल हमारे मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू जीरो बन जाएगा, सॉरी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो बन जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है कुछ मॉलिक्यूल, कुछ कॉन्फर्मेशन का इस वाले मॉलिक्यूल का, तो ये ओवरऑल मेरा म्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ये चीज समझ आ रही है? यस मैम, यस मैम, ठीक है। मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है, देख के पता लगानी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, एक ही हो गया। हाँ तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो डाइपोल मोमेंट की बात थी, बॉन्ड लेंथ भी चेंज होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज होती है, बॉन्ड लेंथ किस किस में चेंज होती है, हम जब रेजोनेंस कर रहे होते हैं, रेजोनेंस में चेंज होती है ना, हम बोलते हैं कि ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, उन दोनों के बीच में हमारे बॉन्ड्स, तो कुछ बॉन्ड लेंथ पे हमारा ऐसा असर पड़ता है। तो हम देख लेते हैं, अ सिंगल बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, अ सिंगल बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड, इज शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। नॉर्मल सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है उससे कम होगा हमारा सिंगल बॉन्ड, एंड अ डबल बॉन्ड टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस वो क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, छोटा छोटा होगा सिंगल बॉन्ड से नहीं। अगर मैं नॉर्मल प्योर डबल बॉन्ड की बात करूं और मैं ऐसी डबल बॉन्ड की बात करूं जो रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड बड़ा होगा प्योर डबल बॉन्ड से या छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। ये तो हम अभी तक देखते ही आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी कंपेयर करेंगे। और सिमिलरली हाइपरकॉन्जुगेशन में भी ऐसा ही होगा, अ सिंगल बॉन्ड taking part in HC, HC is hyperconjugation, ठीक है, is shorter than expected, and a double bond taking part in HC is longer than expected, क्योंकि आगे के structures में एक तरीके से क्या हो रहा होता है, resonance ही हो रही होती है। लेकिन CH bond की अगर हम बात करें, hyperconjugation में जो alpha CH जो bond होता है, alpha CH bond, वो क्या होता है, longer than expected, क्योंकि वो क्या होता है, break हो रहा होता है बार बार, CH bonds hyperconjugation में break होता है, तो वो थोड़ा weak होता है, तो वो longer than expected होता है, longer than एक्सपेक्टेड। जो नॉर्मल सी एच बॉन्ड होगा जो हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा होगा, उसके कंपेरिजन में जो एल्फा सी एच है वो लॉन्गर होगा, ठीक है, ये याद रखना। जैसे हम ये कर रहे थे सी एच सी एच एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो जब ये हाइपर कॉन्जुगेशन में जा रहा था तो ये सी एच बॉन्ड टूट रहा था, तो यानी कि ये जो सी एच बॉन्ड्स होंगे ये वाले अल्फा कार्बन वाले, ये सारे हमारे कैसे होंगे, वीक, बड़े होंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल सी एच, जो अल्फा कार्बन अल्फा सी एच नहीं होते। ये जो सी वाला सी सी सिंगल बॉन्ड जो है ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये जो सी के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है सी एच सी एच टू, ये वाला क्या होगा, लॉन्गर होगा नॉर्मल डबल बॉन्ड से, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, एक स्ट्रक्चर में हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो ये हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बना चुके हैं ऑलरेडी,
बस ये लाइन बताने के लिए एक बार मैंने फिर से बना दिया, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं? ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नो मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। CH3CH2OH CH2 डबल बॉन्ड CHOH और ठीक है फिलहाल मुझे CO बॉन्ड लेंथ के बारे में ऑर्डर बताओ कि किसकी सबसे बड़ी होगी, फिर उससे छोटी किसकी, फिर उससे मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ CO बॉन्ड लेंथ। बोलो बोलो, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए वैसे तो। सबसे बड़ी थर्ड की होगी। हम थर्ड सेकंड फर्स्ट। हां सॉरी, किसने बोला फिर से बोलो? हम थर्ड सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट में लॉन्गेस्ट एंड थर्ड में शॉर्टेस्ट। थर्ड की बड़ी होगी या सबसे छोटी होगी ये बताओ। हम सबसे छोटी। हां सबसे बड़ी किसकी होगी? फर्स्ट। फिर सेकेंड एंड थर्ड। यस, फिर सेकेंड एंड देन थर्ड। क्यों? ये तो फर्स्ट में तो क्या है हमारा, प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, प्योर सिंगल बॉन्ड। हमें पता है क्या, सेकेंड और थर्ड में प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है क्योंकि वो रेजोनेंस में जा रहा है। हाँ बोलो मैम। लेकिन मैम ग्रेटर देन डबल बॉन्ड तो होगी ना? ग्रेटर देन डबल बॉन्ड होगी। कौन सी वाली? ये वाली मतलब इनकी बात कर रहे हो, सेकंड और थर्ड की? रेजोनेंस में तो बढ़ जाती है ना, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। रेजोनेंस में डबल बॉन्ड की बढ़, हाँ इन बिटवीन सिंगल। अगर मैं देखो ये डबल बॉन्ड है और अगर रुको बताती हूँ, इसमें क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है? उसको मैं पी डी सी एच लिख लेती हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर मैं पी डी सी एच की बात करूं, एक सेकेंड, ये किससे बड़ा होगा? प्योर डबल बॉन्ड से बड़ा होगा, प्योर है, प्योर डबल बॉन्ड से। और छोटा किससे होगा? सिंगल बॉन्ड से। प्योर सिंगल बॉन्ड या नॉर्मल सिंगल बॉन्ड हो, चीज समझ आ रही है? इसमें सी और एच के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, कोई रेजोनेंस नहीं। yes, है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर सेकंड और थर्ड में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो ये इससे तो छोटे ही रहेंगे, ठीक है? तो बात फिर किस में आती है? सेकंड और थर्ड में बात आती है। तो फर्स्ट तो हमें पता है कि सबसे बड़ा है, सेकंड और थर्ड में सबसे बड़ा कौन होगा, किस पर डिपेंड करेगा? इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। अगर मैं सेकंड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, सी एच सेकेंड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आएंगे इसके? आर एस कितने आएंगे? बस टू आर एस आएंगे। और अगर मैं अपने थर्ड वाले के आर एस बनाना चाहूँ तो कितने आएंगे? फाइव आर एस, ठीक है? मैं सारे बना के नहीं दिखा रही, तो इसमें टू आर एस है, और टू आर एस में से कितने एक कितने स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आ रहा है? सी ओ के बीच में एक स्ट्रक्चर में, ठीक है? इसमें फाइव आर एस है, और इसमें फाइव आर एस में से थ्री आर एस में क्या आता है? डबल बॉन्ड आ रहा होता है सी और ओ के बीच में। इसे नेक्स्ट स्टेप में जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? उसमें डबल बॉन्ड होगा C और O के बीच में, ओ एच प्लस, इस पे नेगेटिव और ये। फिर आगे नेक्स्ट दो स्टेप पे और इस पे डबल बॉन्ड रहेगा, फिर फिफ्थ स्टेप पे क्या हो जाएगा? फिर से हमें सिंगल बॉन्ड मिल जाएगा। तो फाइव में से थ्री आर एस में क्या आता है? डबल बॉन्ड आ रहा होता है, ठीक है? इसमें दो में से एक आर एस में डबल बॉन्ड आ रहा होता है। इतना देखने की जरूरत नहीं है, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि जिसके आर एस ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आर एस पे ही डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा, ठीक है? तो इस वजह से फाइव आर एस है तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ डबल स्ट्रक्चर्स पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसकी जो होगी थर्ड की ज़्यादा छोटी होगी, टू की कंपैरेटिवली बड़ी होगी थर्ड के कंपैरिजन में। ऑल दो दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड में भी टू बड़ा होगा थ्री से, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके चलो नेक्स्ट आते हैं। सेम क्वेश्चन एकदम, सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एल और ये। अब इसका बता दो जल्दी से,
वही बॉन्ड लेंथ, सी सी एल की बॉन्ड लेंथ। मैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसमें भी सेम ही रहेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ, अभी से करना। NH2 अब इसमें मुझे सी एन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, सी एन बॉन्ड लेंथ का, सी एन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। मैम सबसे बड़ी फिफ्थ की होगी। सबसे बड़ी फिफ्थ की होगी, तो चलो सबसे बड़ी फिफ्थ को आगे रख लेते हैं। फिफ्थ से कम? फाइव फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड। फाइव के बाद फोर थर्ड फर्स्ट सेकंड। ओके okay. अच्छा ज्यादा अगर मैं थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करूँ तो ज्यादा नंबर ऑफ आर एस किस पे आ रहे हैं? फोर्थ। तो उसकी बड़ी होगी या छोटी होगी? मैम मैम छोटी होगी, थर्ड फोर्थ आएगा, फाइव थ्री फोर। हाँ तो पहले थ्री आएगा, फिर फोर आएगा, सेकंड, फिर सेकंड, फर्स्ट, ठीक है, फिर सेकंड। क्यों सेकंड में क्या है? सेकंड में रेजोनेंस नहीं है, सेकंड में तो प्योर डबल बॉन्ड है, तो प्योर डबल बॉन्ड तो छोटा ही होगा पार्शियल डबल बॉन्ड से। इसमें पीडीसीएच है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें पीडीसीएच है, इसमें भी पीडीसीएच है, इसमें प्योर क्या है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा और प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, तो एक को सबसे आगे रख दिया, एक को सबसे पीछे रख दिया। बीच वाले करने हैं, बीच वाले किस बेसिस पे बता सकते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में सबसे ज्यादा किसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं? वन के, तो वन का सबसे छोटा होगा, फिर उससे कम है फोर्थ के, तो फोर्थ का उससे बड़ा होगा, और फिर इसमें सिर्फ एक ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो थर्ड का सबसे बड़ा होगा। मैम तो फिर फर्स्ट ही तो आएगा लास्ट में अगर उसके सब, लेकिन वो किस में है? पी डी सी एच वाले में सबसे कम है, प्योर डी बी तो हमने पहले ही लास्ट में उठा के रख दिया। अगर अगर मैं पी डी सी एच की बात करूं और अगर मैं प्योर डबल बॉन्ड की बात करूं, कौन बड़ा है? मैं पार्शियल डबल बॉन्ड। तो पता चल गया ना, तो ये जो प्योर डबल बॉन्ड है ये तो सबसे लास्ट में रखना है हमें। ओके मैम। ठीक है, और इसके आगे सिंगल बॉन्ड, ये याद रखना। ठीक है, ये चीज़ याद रखो, फिर इसके अकॉर्डिंग इसे प्लेस करो। मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? ओके, क्या ये एग्जांपल देखो, ये ऑर्डर बताया मैंने कि सबसे बड़ा क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। सबसे छोटा क्या होगा? मतलब प्योर सिंगल बॉन्ड, और सबसे छोटा क्या होगा? प्योर डबल बॉन्ड होगा, और बीच में क्या आएगा? पीडीसीएच किक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जिसमें होगा। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर वाले बॉन्ड्स बीच में लाए करेंगे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के। ठीक है, तो मुझे सबसे बड़ा लिख लिया मैंने, सबसे बड़ा क्या है? फिफ्थ है। एक सेकेंड, फिफ्थ की बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी है। ठीक है, सी एन बॉन्ड लेंथ, सी एन बॉन्ड लेंथ फिफ्थ की सबसे बड़ी है, क्योंकि फिफ्थ में क्या है? सी और एन के बीच में ये जो फिफ्थ है, सी और एन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना? यस मैम। तो सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होगा। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद कोई भी और प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद हम ये पीडीसीएच ढूंढते हैं। ठीक है, इसमें हमारे फाइव आर एस आते हैं, एनिलीन में फाइव आर एस आएंगे, बेंजीन वाले इनमें हमेशा फाइव आर एस ही बनते हैं। इसमें कितने बनेंगे? इसमें टोटल दो आर एस बनेंगे, और इसमें दो से ज़्यादा बनेंगे आई गेस, इसमें तीन आर एस या चार उससे ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, लेकिन इससे कम होंगे। तो अगर मैं आर एस की बात करूँ, इसमें थ्री आर एस, हाँ इसमें थ्री आर एस ही आएंगे। ठीक है, तो मैंने सिंगल बॉन्ड को सबसे आगे रख लिया। अगर मैं फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करूँ तो उसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा? जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा या सबसे कम होगा? मैम जिसमें ज़्यादा होगा। जिसमें ज़्यादा होगा वो सबसे कम होगा, उसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ। हाँ, तो सबसे कम पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर किसमें? इसमें टू आर एस, वो आर एस पे डिपेंड कर रहा था। तो यानी कि अब क्या आएगा? फिफ्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद क्या आएगा? फोर्थ, और फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा आर एस इसमें, तो उसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो इसमें क्या आएगा? वन। और लास्ट में क्या आता है? प्योर डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड सबसे छोटा होगा हमारा। ठीक है, तो वो क्या आएगा लास्ट में? सेकेंड। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम फोर्थ, फोर्थ वाले में पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस भी तो होगा जिससे वो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई सिग्मा पाई,
जिससे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। एक सेकेंड, टोटल आर एस में देखो एक ही हो गया, चलो एक बार बना के देखते हैं इसका। ये है हमारे पास, ठीक है, एक तो ये हो गया NH2 प्लस नेगेटिव, अब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो क्या इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में दोनों में है ना डबल बॉन्ड इसमें? यस मैम, है ना, दोनों में आ रहा है ना डबल बॉन्ड, तो यानी कि ज्यादा डबल बॉन्ड तो है इसमें, ज्यादा स्ट्रक्चर्स में। हो गया चीज क्लियर? ओके मैम, समझ गया। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CHNH और CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, 1 2 3 4, इसमें बताओ ऑर्डर CN बॉन्ड लेंथ का। मैम सबसे बड़ी सेकंड, सबसे बड़ी सेकंड रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस से बड़ा होता है बॉन्ड या छोटा होता है? फर्स्ट होगा शायद। फर्स्ट होगा। चलो देख, अच्छा फर्स्ट में क्या है, प्योर सिंगल बॉन्ड है PDCH है या प्योर डबल बॉन्ड है? मैम प्योर सिंगल बॉन्ड है, तो प्योर सिंगल बॉन्ड लिख लेते हैं। सेकंड में क्या है मैम? रेजोनेंस मैम, PDCH लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है? डबल बॉन्ड, प्योर, प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है, प्योर डीबी। और फोर्थ में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो ये तो ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे छोटा होता है डबल बॉन्ड के से भी, ठीक है। तो अब मुझे सबसे बड़ी निकालनी है उसमें से, तो कौन सी होगी मैम? फर्स्ट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होगा। उसके बाद मैम सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, और फिर लास्ट में फोर्थ। तो आ गया इजीली, तो ये लिख के देख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, हमारा देखो ये खत्म हो गया, ये जो फर्स्ट पार्ट था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स से, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो था, जिसमें हमने चार चीजें पढ़ी, इंडक्टिव, हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, अब नेक्स्ट हम एरोमेटिसिटी शुरू करेंगे। तो कुछ डाउट इसमें अभी तक जो भी था, या मैं नेक्स्ट एरोमेटिसिटी शुरू कर दूं? मैम हाँ, एक बार विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताना। विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये होता है विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ओके मैम, चलो अब आगे। ओके मैम, चलो एरोमेटिसिटी हमें शुरू करनी है। हम थोड़ा बहुत बीच बीच में देखते भी आए कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ अनएरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, कुछ नॉन भी होंगे, नॉन मोस्टली होते हैं, देखो तो हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, द कंपाउंड्स विच फुलफिल ऑल द थ्री कंडीशंस टुगेदर आर एरोमेटिक। कौन सी कंडीशंस, जो भी मैं लिखवाऊंगी। तो फर्स्ट क्या होती है, क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर तो होना ही चाहिए। प्लेनर नहीं होगा तो उसमें कोई रेजोनेंस ही नहीं है, ठीक है। और एरोमेटिक में तो कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन होती है, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ द रिंग मस्ट बी ईदर sp2 और sp, तो ईच मेंबर या तो sp2 हो या sp हो विद क्लोज्ड कॉन्जुगेशन, यानी कि कॉन्जुगेशन कहीं ब्रेक ना हो रही हो। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में जो डीलोकलाइजेशन होती है
कॉन्टिन्यूस है, वो एक पूरी रिंग में क्लोज है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, कहीं ब्रेक हो रही है तो एरोमेटिसिटी चली जाएगी, ठीक है, कहीं भी देखेंगे कहाँ कहाँ रुक जाती है कॉन्जुगेशन, एग्जाम्पल से सही समझ आएगा। थर्ड क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ चुके हैं कितने होने चाहिए, क्या रूल फॉलो करते हैं वो, 4n+2 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जहाँ पे n क्या है 0, 1, 2, बेसिकली होल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, हक्कल रूल, ये वाला जो रूल है इसको हक्कल रूल बोलते हैं। तो ये तीनों रूल फॉलो होने चाहिए एक किसी भी हमारे मॉलिक्यूल को क्या एरोमेटिक होने के लिए, ठीक है, तो हम थोड़ा एग्जांपल्स में आके देखते हैं। तो क्या कोई ओपन चेन कभी भी एरोमेटिक हो सकती है, ओपन चेन हो मतलब रिंग ना हो, ऐसी ओपन चेन है कोई, हो सकती है वो एरोमेटिक? नो मैम। ठीक है, तो ये नहीं होती क्योंकि हमें क्लोज्ड कॉन्जुगेशन भी तो चाहिए, हमें क्लोज्ड कॉन्जुगेशन कैसे बनेगी मिलेगी किसी भी ओपन उसमें, तो एन ओपन चेन कंपाउंड कैन नेवर बी एरोमेटिक। ठीक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो बताया था लेकिन फिर भी एक बार सिंपलेस्ट एग्जांपल से देख लेते हैं हम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स, बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है, तो हम n की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं जो 6 आ जाए, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 × 1+2 क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारा इस फॉर्मूले में पुट करके हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यानी कि बेंजीन हमारा एरोमेटिक है, बाकी सारे के सारे कार्बन sp2 है, ये साइक्लिक है और एक प्लेन में भी है क्योंकि sp2 है तो प्लेनर ही होगा, ठीक है, तो ये सब कुछ फॉलो करता है। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। दो तरीके के होते हैं, एक बेंजीनॉइड्स और एक नॉन बेंजीनॉइड्स, ठीक है, इस बेंजीनॉइड्स में क्या होगा कि एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग तो प्रेजेंट होगी, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, इसमें विदाउट मतलब नो बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट विदाउट बेंजीन रिंग, कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी लेकिन फिर भी एरोमेटिक होंगे, देखते हैं कैसे, हम कर भी चुके काफी एग्जांपल्स ऐसे एरोमेटिक वाले, ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या हो सकता है, एक बेंजीन तो होता ही है, तो मुझे नाम बताना है इसका, इसका नाम क्या है, नेफ्थलीन, हाँ, इसका नाम नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन का कलर क्या होता है, पता है, इसका नाम होता है एंथ्रासीन, पता है नेफ्थलीन का कलर क्या होता है, पिंक, क्या पिंक, Yes, ma'am. नहीं पिंक तो नहीं होता, नेफ्थलीन तो तुमने देखा भी हुआ है, बहुत देखते हो घर में, वाइट नेफ्थलीन बॉल्स होती है ना, वो क्या नेफ्थलीन ही तो है, तो उसका कलर क्या होगा, वाइट होगा, वाइट कलर की होती है ना बॉल्स, वो ये और भी किसी कलर में देखी है, ठीक है, वाइट होती है नेफ्थलीन, ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इधर नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, की जरूरत नहीं है, और भी होंगे एग्जांपल्स लेकिन आप लोग फिलहाल ये याद रखो, ये एक सेकेंड,
इसका नाम क्या होता है? फिनेंथ्रीन। ठीक है, तो ये हो गए बेंजीनॉइड्स के कुछ एग्जांपल जो कि एरोमेटिक है, जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, नैफ्थलीन में भी है, एंथ्रेसीन में, इसमें दो रिंग्स प्रेजेंट है, इसमें थ्री है, और फिनेंथ्रीन में भी थ्री प्रेजेंट है, लेकिन उनके ओरिएंटेशन थोड़ी अलग है ज्वाइन होने की। अगर नॉन बेंजीनॉइड्स की बात करूँ तो हमने ये पढ़ा था, ये है एरोमेटिक, यस मैम, है ना, पढ़ा था। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2π इलेक्ट्रॉन्स है। 2π इलेक्ट्रॉन्स 4n प्लस 2 वाला फॉलो करते हैं कब? जब उनका n जीरो हो। तो ये इसका कुछ था हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ एग्जांपल बताना जरा मुझे। ये एरोमेटिक है? यस मैम, यस मैम, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स है और इसमें कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन भी है। कैसे? इसे अगर मैं इसे यहाँ पे शिफ्ट करूँ बॉन्ड को, तो इस बॉन्ड और इस पॉजिटिव चार्ज में चार्ज बनेगा और नया पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो पॉजिटिव चार्ज नए कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इनकी डीलोकलाइजेशन हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, आगे एक और बार कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे, जब जो लास्ट पोजिशन जो बची है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, तो ये इसके चार 4R बनेंगे इसमें। ठीक है, और इसका हाइब्रिड कैसा होगा? कुछ ऐसा जिसमें दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स की डीलोकलाइजेशन ऐसे दिखाते हैं हम। नेक्स्ट, ये है एरोमेटिक? कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6π इलेक्ट्रॉन्स है। 6π इलेक्ट्रॉन्स वाला तो बेंजीन भी होता है, तो यानी कि ये भी एरोमेटिक ही होगा। और इसमें क्या है? कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन भी है। अगर देखोगे, वेट, नेगेटिव नेगेटिव, मैंने ये एरो बदला, क्यों? क्योंकि बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दे रहा है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस वजह से मैंने एरो अपना बदला। मैंने पहले गलत बना दिया था गलती से। नेगेटिव दिस दिस, ईशांत क्या नहीं समझ आया? ये एरो वाली चीज, और अब पीछे का देखो, जैसे पहले हम डीलोकलाइजेशन दिखा रहे थे, वैसे यहाँ पे डीलोकलाइजेशन दिख रही है। अगर मैं थोड़ा देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस पे क्या है? डबल बॉन्ड। तो अगर मैं मुझे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हो अपने हकल रूल देखने के लिए कि फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं क्या क्या काउंट करूंगी इसमें? एक तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करूंगी और एक नेगेटिव चार्ज के भी करने हैं इसमें। तो एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस वाले नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड में कितने? उसमें भी 2, तो 2 इसके प्लस 2 4 और प्लस 2 6, तो 6π इलेक्ट्रॉन्स है। तो यानी कि एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अगर हमें कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे? मैं वो दिखा रही हूँ कि इसमें रेजोनेंस कैसे हो रही है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस कैसे होती है। एक चार्ज हो तो हम रेजोनेंस आराम से दिखा देते हैं, दो चार्ज में कैसे हम रेजोनेंस दिखा रहे हैं, तो मैं ये दिखा रही थी। तो ये बॉन्ड यहाँ, ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये जो ये वाला बॉन्ड है ये टूट के इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे आएंगे। नेगेटिव नेगेटिव, अब इसके यहाँ पे शिफ्ट होंगे और इसका यहाँ पे शिफ्ट होंगे, सेम ही चीज फॉलो करनी है बस। तो इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये एरो मैं यहाँ पे इस बॉन्ड पे खत्म कर रही हूँ। अब ये यहाँ पे और ये इधर, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हमारे चारों, हमारे पास 4 CC बॉन्ड सर, चारों पे एक बार डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या है हमारा? ये 4 RS, 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पॉसिबल है। और
इसका मुझे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो ये मतलब सारे चारों बॉन्ड्स को मैं ऐसे दिखा सकती हूँ सर्कल से, और क्योंकि दो नेगेटिव चार्ज है तो मैंने अंदर क्या दिखाया है, दो नेगेटिव चार्ज, तो ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आगे चलती हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये है एरोमेटिक? यस मैम, ये भी एरोमेटिक है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ये दो पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन है, हमने बना के देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जरा, पहले हम देख चुके हैं इसका बना के, तो मैं फिर से नहीं बना रही, एक सेकेंड, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, छः तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, ये है एरोमेटिक, इसका मैंने होमवर्क भी दिया था बनाने के लिए कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना, बन गए थे सबसे? यस मैम, एरोमेटिक ऐसा है जिससे नहीं बने थे, और इसका हाइब्रिड कैसे आया था कुछ? इसके हाइब्रिड में पहले हम बाहर की तरफ डेल प्लस लगा रहे थे, एक वो तरीका है और एक ये तरीका भी है कि हम यहीं पे करके अंदर प्लस दिखा दें। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है हाइब्रिड के, हाइब्रिड बनाने के। चलो, तो ये हो गए बेंजीनॉइड्स, नॉन बेंजीनॉइड्स की बात, मतलब जो एरोमेटिक थे। अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है, एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें क्या है, कॉन्टीन्यूस डीलोकलाइजेशन तो है ही नहीं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन एक और कंडीशन भी है कि कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए जो हमारी डीलोकलाइजेशन है, सारे sp2 और sp ही होने चाहिए एटम्स। यहाँ पे वाला कार्बन कैसा है, sp3 है ये, तो ये आ गया, इसने हमारी कॉन्जुगेशन ब्रेक कर दी, इस वजह से एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है क्योंकि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूस डीलोकलाइजेशन होनी ही चाहिए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्टीन्यूस रेजोनेंस होनी चाहिए, तो ये फिर ये क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है, इस वजह से तो हम ऐसे कंपाउंड्स को नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं। एच, ये एरोमेटिक है? नो मैम। मैम एरोमेटिक है। और कोई एरोमेटिक है या नहीं है? एरोमेटिक है। क्योंकि क्या बताया था मैंने कि बोरॉन किसकी तरह काम करता है, कार्बोकैटायन की तरह, C+ की तरह। ठीक है, और C+ की क्या होती है, जो एरोमेट वो हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 ही होती है, तो sp2 आता है एटम, तो यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन कोई ब्रेक नहीं होती। ये हमारा जो ट्रोपीलियम आयन है, जो हमने इसका जो नाम होता है ट्रोपीलियम होता है, इसकी तरह ये काम करता है, तो ये एरोमेटिक है और वो भी एरोमेटिक है। ठीक है, तो हमारा ये भी क्या है, एरोमेटिक में आएगा। बोरॉन देख के डरा मत करो, इसे कार्बोकैटायन की तरह ही अज्यूम कर लिया करो बस। ठीक है, दिस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये है एरोमेटिक? बताओ, ये है एरोमेटिक? यस मैम। और कोई? नो मैम, नहीं है। नो किसने बोला, क्रिश? तो ये एरोमेटिक है। देखो, सबसे पहली चीज क्या, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मतलब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एरोमेटिक हैकल रूल तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, रही बात सारे के सारे एटम्स कैसे sp2 है, सारे एटम्स sp2 है ना, तो yes, ma'am. ये इसमें कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो भी रही होगी, बाकी हम बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे तोड़ दूँ, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूँ, और नहीं सॉरी ऐसे नहीं टूटेगा, हाँ ये है, तो मैं इस बॉन्ड को कुछ ऐसे तोड़ सकती हूँ, वेट, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बनाएगा, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी,
ये है, ये भी तो सेम ही है, बस पॉजिटिव चार्ज थोड़ा अलग है लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो सेम ही, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये इधर डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। अब मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, यहाँ पे इधर ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो बन मिल गया ना एकदम हमें, एकदम कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन पॉसिबल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे भी और हो सकती है, तो इसमें क्या है, डीलोकलाइजेशन पूरी की पूरी है, इस वजह से क्या है ये एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ये है एरोमेटिक, यस मैम, ये भी एरोमेटिक, ठीक है, क्योंकि इसमें भी पूरी कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन हो रही होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो रेजोनेंस बना के देखना सब कुछ, पूरी की पूरी बना के देखना, ठीक है। मैं जैसे ऊपर बनाई थी वैसे एकदम इसकी भी बनेगी, बस पॉजिटिव चार्ज की जगह क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। बना लोगे आगे इसके? यस मैम। चलो ठीक है, तो ये थी बात एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जो कि नॉन बेंजीनॉइड थे, ठीक है, सारे के सारे बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक है। अब कुछ होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक का मैंने मतलब बताया था, क्या हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है, क्या होता है हेट्रोसाइक्लिक मैम? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के सिवाय कोई और एटम भी हो रिंग में। हाँ, जिसमें कार्बन के अलावा, बेसिकली चेन में तो सब में कार्बन ही होता है, तो चेन में कार्बन के अलावा कुछ और हो, चेन किसी और हेट्रो एटम, उसमें कोई ना कोई एक और एटम आ रहा हो, एक हो या दो हो, कितने भी हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जांपल दे सकते हो मैम? पायरोल। हाँ, पायरोल मैंने बताया था, क्या था उसका स्ट्रक्चर मैम? उसमें नाइट्रोजन, ये स्ट्रक्चर था पायरोल का। पायरोल के अलावा कुछ पता है? फ्यूरान। हाँ, फ्यूरान। फ्यूरान में कौन सा हेट्रो एटम होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन तो पायरोल में आ गया ना, ये फ्यूरान। और कोई? हाँ बोलो। पाइरिडीन में नहीं होगा? हाँ, पाइरिडीन में भी होता है। थायोफीन। हाँ, थायोफीन में भी होता है। थायोफीन में कौन सा हेट्रो एटम होता है? सल्फर। हाँ, उसमें सल्फर होता है। गुड। थायोफीन, तो ये थी कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात। इसमें अगर देखोगे, इसमें भी क्या है, सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन में लोन पेयर भी दिख रहे हैं, और अगर मैं डबल बॉन्ड्स को काउंट करूं तो डबल बॉन्ड्स में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं नाइट्रोजन को भी काउंट करूंगी, जो उसके लोन पेयर्स को भी काउंट करूंगी या नहीं करूंगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स में नहीं करना, नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं काउंट हो सकते वो, क्योंकि इसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये वाला जो लोन पेयर है वो किसी पैरेलल पी ऑर्बिटल में नहीं होगा, तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। हमने एक पैरेलल पी ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट पढ़ा था पहले, क्या जो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में होंगे वही आपस में पार्ट ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है किसी पैरेलल पी ऑर्बिटल में नहीं होगा, इसकी डायरेक्शन कहीं और अलग से होगी, तो ये पार्ट नहीं लेगा, ठीक है। ऐसे इसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर दिख रहे हैं लेकिन डीलोकलाइजेशन में सिर्फ 1 पार्ट लेगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये पार्ट लेगा, ये वाला नहीं पार्ट लेगा, क्योंकि पैरेलल एक ही हो सकता है एक टाइम पर, एक एटम का कोई भी पी ऑर्बिटल। सेम फिर सल्फर और नाइट्रोजन पे एक ही है और ये वाला पार्ट लेता है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी एंटी एरोमेटिसिटी की। इसमें भी जो कंडीशंस हैं वो रहेंगी ऑलमोस्ट सेम, लेकिन बस एक कंडीशंस थोड़ी बदलती है। तो पहली जो थी वो तो साइक्लिक और प्लेनर वाली हमारी सेम ही रहेगी,
दूसरी क्या होगी, ईच मेंबर sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, ईच मेंबर sp2 sp या फिर क्या, और क्या हो उसमें क्लोज कॉन्जुगेशन हो, और थर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स था कौन सा फॉर्मूला फॉलो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2n 4n इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इसमें, ठीक है, जैसे इसमें 4n plus 2 थे इसमें 4n होने चाहिए, तो n is equal to 1, 2, 3, 4, ठीक है, आगे आगे जाएगा, अगर जीरो हो गया n तो फिर तो जीरो पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर तो बात ही नहीं रही एंटी एरोमेटिसिटी की, ठीक है, उसमें पॉसिबल थे 4n plus 2 में जीरो, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 से ही शुरू करना होगा। चलो तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक को ए से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, वो डी काफ़ी डीस्टेबलाइज्ड होता है, आर डीस्टेबलाइज्ड ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में डीलोकलाइजेशन स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को, एंटी एरोमेटिक में डीस्टेबलाइज करती है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। ये है, ठीक है, ये क्या है, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, सारे के सारे एटम्स sp2 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा हमें ये, तो ये सारी की सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक काफी से डीस्टेबलाइज कर देती है, तो ये कुछ मेथड्स अपना सकते हैं अपने को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, तो दो मेथड्स है, एक क्या करेगा, एक तो कर सकता, एक करता है अपनी बॉन्ड लेंथ डिस्प्रोपोर्शनेट बना लेता है, अब देखो कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन है तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो सारी सेम होनी चाहिए थी, मतलब ऑल्दो हम दिखा रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन एक्चुअल में कुछ होता तो ऐसे, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन है तो यानी कि सारी बॉन्ड लेंथ बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड होगी, सब में PDCH होगा इसके सारे बॉन्ड्स में, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्योंकि इस डीलोकलाइजेशन से अनस्टेबल हो रहा है तो इसे कम करने के लिए क्या करता है, ये अपनी बॉन्ड लेंथ थोड़ी डिस्प्रोपोर्शनेट कर देता है, यानी कि अगर ये ए है अगर और ये बी है तो बी हो जाएगा अब बड़ा ए से, ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड अलग हो गई, डबल बॉन्ड एकदम अलग हो गई, इसकी डीलोकलाइजेशन बंद हो गई बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन रोकने के लिए कुछ अपनी बॉन्ड लेंथ डिस्प्रोपोर्शनेट कर लेता है, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन रुक जाती है ऐसे केसेस में, तो इस वजह से क्या होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल बन जाता है। एक क्या कर सकता है, डाइमराइज कर सकता है, यहाँ पे कह सकते हो बॉन्ड लेंथ becomes disproportionate मतलब unequal, proportion जो था पहले equal थे अब वो disturb हो गया, ठीक है, या फिर dimerize कर सकता है, dimerize कैसे, एक ये है plus एक ये है, तो एक ये वाला pi bond टूट के और ये वाला pi bond टूट के, ये और ये वाला pi bond टूट के क्या बना लेते हैं, दो pi bond टूट के दो single bond बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का बॉन्ड पाई बॉन्ड टूट के नया ये वाले सिंगल बॉन्ड्स मिल गए हमें, ये वाले सिंगल बॉन्ड्स, ये वाला पाई बॉन्ड टूट गया ये जो था यहाँ पे, ठीक है, तो ये डाइमराइज होके भी क्या होता है, अब इसकी एंटी एरोमेटिक अब क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, डाइमराइज होने के बाद क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया, तो ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ वो है कि हाँ एंटी एरोमेटिक बता रही हूँ लेकिन ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कुछ चेंजेस लाते हैं, तो ये उस तरीके के मॉलिक्यूल्स में बता रही हूँ, इसकी बात करूँ ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एन को 2 पुट करूंगी तो मुझे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 4n पाई फॉलो करता है, ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ये एंटी एरोमेटिसिटीज की डीस्टेबलाइजेशन से बचने के लिए क्या करता है, अपनी जो स्ट्रक्चर है बदल लेता है, अब ये प्लेनर है तो ये नॉन प्लेनर बना लेता है, कैसे, अपने आप को टब शेप में कन्वर्ट करके, कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, टब शेप हो गई तो मतलब टब शेप में कर लेता है, और ये नॉन प्लेनर टाइप है, मतलब यहाँ पे तो प्लेन में दिख रहा है लेकिन नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर हो जाता है तो इसकी क्या डीलोकलाइजेशन बंद हो जाती है, टब शेप नॉन प्लेनर, डीलोकलाइजेशन नहीं है तो अभी क्या बन गया,
नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये टब शेप वाला नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये नॉन प्लेनर है। अब इसमें डीलोकलाइजेशन बंद है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही तो एंटी एरोमेटिसिटी वाला इफेक्ट कुछ नहीं लग रहा, अभी सिंपल नॉन प्लेनर कंपाउंड हो गया अपना, नॉन एरोमेटिक सॉरी। ठीक है, इतना ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें, आगे चलूं? यस मैम। एग्जांपल 3, क्या ये एरोमेटिक है? नो मैम। नो, देखो इसमें ये एरोमेटिक बन जाता है, कैसे बनेगा? ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। सी ओ में ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ओ की तरफ ही टूटेगा बॉन्ड। अब ये होकर कुछ ऐसा, ओ नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब देखो अब कुछ लग रहा है एरोमेटिक जैसा? यस मैम। ये जो रिंग है ये हमने पढ़ी थी ना अभी, तो ये वाली रिंग जो हो गई ये क्या होगी, एरोमेटिक हो गई। इस वजह से क्या है, ये एरोमेटिक बन गया हमारा। तो ऐसा कुछ कंपाउंड जो, अगर ये ऐसा कंपाउंड है एक्चुअली में एग्जिस्ट कैसे करेगा, ऐसे ही, क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट करने में से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, लेकिन अगर ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है इस वाली फॉर्म में तो इसे क्या मिल रही है, एरोमेटिक वाली स्टेबिलिटी मिल रही है जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई ऐसा कंपाउंड होगा वो ऐसे ही एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि एरोमेटिक है। नेक्स्ट की बात करें जी, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, इसको वेट ऐसे और ये ऐसे टूटे, इसमें भी दिखा सकते हैं वैसे दिखाना चाहे तो, पॉजिटिव यहाँ पे ये और इधर ओ नेगेटिव, तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है या नहीं है? बताओ। यस मैम है। मैम है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें बताना जरा। मैम एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर लो कितने हैं, एक दो नहीं हो गए क्या मैम? 6 ऑक्सीजन पे भी तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन वाले तो है ही नहीं ना डीलोकलाइजेशन में कंटीन्यूअस, वो तो अलग हो गए। इसमें हमने काउंट करे ऑक्सीजन के, जो पहला वाला एग्जांपल था, हम तो बस इस रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग में क्या है, रिंग ये ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है मैम, ये एंटी एरोमेटिक है। हाँ वो एंटी एरोमेटिक है, ये रिंग ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, और ये रिंग कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, ओ नेगेटिव ऐसे ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये इस रिंग के बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं रिंग में, तो एरोमेटिक का तो कोई बात ही नहीं बनती। एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे, हाँ है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये सारे के सारे कार्बन sp2 है तो डीलोकलाइजेशन है, तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल कभी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ऐसे ही नॉर्मल रहेगा, इसमें ऐसी वाली रेजोनेंस नहीं करके, मतलब ऐसी रेजोनेंस ही करेगा ही नहीं इस तरीके की, क्या अपने आप को एंटी एरोमेटिक में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। इसमें होगी ऐसी रेजोनेंस या नहीं होगी बताओ, ये जो नया बनाया मैंने, यस मैम होगी होगी। हम ये वाला आयन काफी बार कर चुके हैं, अब तो पहचान जाओ कि ये एरोमेटिक होता है नहीं होता। 7 मेंबर रिंग है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर और एक कार्बन पे क्या, पॉजिटिव चार्ज, तो एरोमेटिक बन जाती है रिंग। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो रिंग है ये करा है ना अभी हमने, अब ये भी करा था इससे पहले, 7 मेंबर रिंग पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 3 पाई बॉन्ड्स और एक पॉजिटिव चार्ज, तो है ना एरोमेटिक। यस मैम। यस मैम। तो ये भी एरोमेटिक है, तो ये भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा मॉलिक्यूल, इसमें वाली रेजोनेंस होगी और ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें मल्टीपल साइकिल्स हो, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, फ्यूज्ड एंड आइसोलेटेड। पिन का मतलब क्या है देखते हैं, फ्यूज जैसे
नेफ्थलीन जो है, नेफ्थलीन हमारी क्या है, फ्यूज रिंग वाली है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड. पर आइसोलेटेड में क्या होगा, दो डबल बॉन्ड्स कैसे, दो रिंग्स कैसे ज्वाइन होंगी, एक सिंगल बॉन्ड से. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है तो ये क्या है, आइसोलेटेड है. यहाँ पे ये एक रिंग एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पे एक रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन से एरोमेटिक है. यहाँ पे पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक है. इसको हम पूरे ओवरऑल को काउंट करेंगे, इंडिविजुअल रिंग्स को नहीं बोलेंगे फ्यूज रिंग के केस में. ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैकल रूल फॉलो करते हैं, n = 2 पे करेंगे, तो ये पूरा का पूरा एरोमेटिक है. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, होल सिस्टम कंसिडर करेंगे हम एरोमेटिसिटी के लिए. होल सिस्टम इज कंसिडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी. और इसमें इंडिविजुअल रिंग इज कंसिडर्ड, इंडिविजुअल रिंग इज कंसिडर्ड, इंडिविजुअल रिंग इज कंसिडर्ड फॉर एरोमेटिसिटी. ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल, मतलब अभी हमने जितने भी किए थे बेंजीनॉइड वाले, ये क्या है, सारे फ्यूज में ही आते हैं. ये क्या था, एंथ्रासीन, ये भी फ्यूज ही है. इसमें कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये इंडिविजुअली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें. तो इंडिविजुअली भी एरोमेटिक है. ठीक है, अब एक एक मैम, हाँ मैम, वो कंपाउंड बायफिनाइल था ये वाला. हाँ, ये बायफिनाइल है. मैम इसका आयुपैक नेम क्या होगा? आयुपैक नेम की इसमें कोई जरूरत नहीं है, बायफिनाइल ही बोलोगे, क्योंकि फिनाइल वगैरह भी हम अपने आयुपैक नेम में यूज कर लेते हैं काफी बार. ओके, ठीक है. बाकी मैंने तो देखा नहीं कभी इसका आयुपैक नेम, देख के बताऊंगी मैं. ठीक है, अगर कुछ मिला तो. बायफिनाइल ही बोला है. तो ठीक है, एक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एजुलीन. एजुलीन के बारे में हम पढ़ते हैं. ये है, और कुछ ऐसे. ये समझ पा रहे हो क्या बनाया मैंने? एक 7 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है. दिख रही है? ये फिर से बनाओ. ठीक है, तो एक ये 7 मेंबर रिंग है और एक ये 5 मेंबर रिंग है. ठीक है, टोटल कितने है? 12 की है, 12 कार्बन की बनी है. 12 की है ना, कार्बन कितने, 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन तो टोटल 10 है. हाँ, कार्बन 10 ही होंगे. ठीक है, और कौन सा होता है जो 10 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जो फ्यूज होता है? कौन सा कंपाउंड है? नेफ्थलीन. अब ये भी पढ़ा था, तो नेफ्थलीन भी 10 कार्बन का है और हमारा एजुलीन भी 10 कार्बन का है. ठीक है, तो यानी कि आइसोमर्स हैं, मतलब इनका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका कलर की बात करूँ, इसका कलर क्या होता है, वाइट, मैंने पूछा था अभी, इसका कलर होता है ब्लू. तो यानी कि स्ट्रक्चर चेंज होने से कलर बदल गया. ठीक है, अच्छा, इसकी अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ, क्या होगी इसकी डाइपोल मोमेंट नेफ्थलीन की? कुछ डाइपोल मोमेंट होगी इसकी? जीरो होगी इसकी. लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ एजुलीन की, इसमें डाइपोल मोमेंट होती है. कैसे, तो देखते हैं. देखो, इसमें ना रेजोनेंस हो जाती है कुछ इस तरीके से, ऐसे, और ऐसे अगर ये शिफ्ट हो गया एटम तो क्या होगा,
दिस पॉजिटिव, यहाँ पे इस पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड. नहीं मैंने कुछ गलत बनाया, वेट, यहाँ पे एक सेकेंड. हाँ हाँ ठीक है, हाँ यही था. अब इसमें इस रेजोनेंस से कुछ हुआ है इसके अंदर? देखो अभी ये ओवरऑल रिंग, ओवरऑल एजुलीन मेरा एरोमेटिक है या नहीं है ये बताओ. पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है. कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन भी है, सारे कार्बन क्या है, sp2 है इसमें, तो कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन भी है, तो यानी कि एरोमेटिक होगा, ठीक है. लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल रिंग की बात करूँ तो मुझे इंडिविजुअल रिंग इसमें कुछ एरोमेटिक नहीं दिख रही है. अगर मैं सिर्फ इस रिंग की बात करूँ या फिर इस रिंग की बात करूँ तो हम नहीं बता सकते कि वो एरोमेटिक है नहीं है, बल्कि नहीं है, ऐसे दिख रही नहीं दिख रही. लेकिन अब जब मैंने इसमें रेजोनेंस करी तो अब मैं इसमें इंडिविजुअल रिंग की बात करूँ तो क्या उसमें रेजोनेंस है? रेजोनेंस तो है, एरोमेटिसिटी है. मैम फिफ्थ कार्बन में है, फिफ्थ कार्बन में मतलब फिफ्थ फाइव मेंबर रिंग में. यस मैम. और इस सेवन मेंबर रिंग में है या नहीं है? है पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज भी है इस वाले कार्बन पे. और बाकी सारे कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड तो दोनों रिंग में शेयर हो रहा है ना. यस मैम. तो ठीक है, तो ये वाला भी हमारे एरोमेटिक है रिंग, और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है. तो क्या हुआ इस रेजोनेंस से? पहले तो सिर्फ जैसे फ्यूज था तो ओवरऑल मॉलिक्यूल एरोमेटिक था, अब भी ओवरऑल मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक है, लेकिन साथ में क्या हो गया हमारा, इंडिविजुअल रिंग्स भी एरोमेटिक हो गई. इंडिविजुअल रिंग्स बिकम एरोमेटिक. तो ये इस फॉर्म में रहना प्रेफर करता है काफी, ठीक है. तो अगर मैं इसका कुछ हाइब्रिड टाइप बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा? इस पे पॉजिटिव और इस पे क्या है, नेगेटिव. अब नेगेटिव चार्ज सेपरेशन कुछ हो गई है, इस वाले रिंग में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, ठीक है. तो मैं कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन. अब इसमें डायपोल मूवमेंट आ गई ना, आ गई है, चार्ज सेपरेशन हो गया तो आ गई है डायपोल मूवमेंट. तो यस मैम, है ना, डायपोल मूवमेंट आ गई, तो उसकी म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है. तो मतलब काफी बार ऐसे कंपेरिजन आ सकता है नेफ्थलीन का और एजुलीन का. ऑल दो दोनों के कार्बन आइटम सेम है, स्ट्रक्चरल मॉलिकुलर फॉर्मुला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मुला डिफरेंट है. स्ट्रक्चरल फॉर्मुला से क्या हो गया, क्या क्या चेंजेस आए? इसका कलर व्हाइट था, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू. इसकी डायपोल मूवमेंट क्या थी, जीरो. इसकी डायपोल मूवमेंट क्या हो गई, नॉट इक्वल टू जीरो. कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, ठीक है. ये ओवरऑल एरोमेटिक था, इसमें इंडिविजुअल रिंग्स की एरोमेटिसिटी की बात हम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें इंडिविजुअल रिंग्स की एरोमेटिसिटी की बात भी होने लगी, ठीक है. तो इसमें इंडिविजुअल रिंग्स एरोमेटिक है एजुलीन में. तो ये कुछ पॉइंट ऑफ है जो आ सकते हैं कंपैरिजन में, या इंडिविजुअली एजुलीन के बारे में पूछे जा सकते हैं. तो अगर लिखना चाहूँ मैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ, शो डायपोल मूवमेंट एजुलीन के बारे में लिख रही हूँ ये, शो डायपोल मूवमेंट. और एक और चीज़ है, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होता है, लिक्विड होते हैं, लेकिन जो एजुलीन होता है सॉलिड हो जाता है, ब्लू हो जाता है, और ब्लू वैक्सी सॉलिड होता है एक तरीके से, वैक्सी सॉलिड, ठीक है. सॉलिड क्यों जाता है, कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में क्यों कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही होंगी. और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्यों बढ़ी है, क्योंकि इसमें देखो चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया है. चार्ज हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगी थोड़ी बढ़ गई होंगी. इसमें क्या होगी, नाफ्थलीन में सिर्फ कौन सी फोर्सेज होंगी, वैन डेर वाल फोर्सेज लग रही होंगी, लेकिन इसमें क्या है, चार्ज वाली फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज लग रही होंगी जो कि स्ट्रॉन्ग होती है. उस वजह से बाकी सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स, नाफ्थलीन तो बेसिकली लिक्विड है, लेकिन हमारा मतलब नेफ्थलीन नहीं, जैसे जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स लिक्विड होंगे, लेकिन ये क्या होता है, ब्लू वैक्सी सॉलिड में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है. तो इसमें लिख लो क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस इस वजह से, ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एजुलीन के बारे में याद रखना, ठीक है. आगे बढ़ूँ, अब कुछ एग्जांपल्स कराने हैं. यस मैम. चलो
चलो ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दूं, इससे क्या हुआ है, इस बॉन्ड को तोड़ने से अब ये क्या है हमारा, एरोमेटिक है या नहीं है? यस मैम। अब ये एरोमेटिक हो गया। कैसे, ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई, दोनों एरोमेटिक है, हमारा कंपाउंड कैसे हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये आएगा तो ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, हम इसको एरोमेटिक ही बोलेंगे। ठीक है मैम। हाँ मैम, डबल और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऐसे साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे वो? अच्छा, मैंने वो जो रूल बताया था वो मैंने किसके लिए बताया था, याद है? कार्बन कार्बन के लिए। मैंने बोला था कि सिर्फ कार्बन कार्बन के लिए है, बाकी जगह हम, हाँ सॉरी, कार्बन कार्बन ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओके कार्बन कार्बन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब बेसिकली ये है लेकिन ये डबल बॉन्ड कुछ इतना बड़ा हो गया होगा क्योंकि ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से ऐसे क्या हो रहा है, एरोमेटिसिटी मिल रही है इस वाली रिंग को भी और इस वाली रिंग को भी, तो एरोमेटिसिटी से बड़ा कुछ नहीं है, एरोमेटिक मिल रहा है। तो हम क्यों नहीं बना रहे थे, क्योंकि सिस्टम क्या हो रहा था, अनस्टेबल हो रहा था इन सब चीज़ों से, यही तो रीज़न था ना हमारा ना बनाने का साथ में, क्योंकि साथ में होंगे तो अनस्टेबल होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होने से तो सिस्टम को स्टेबिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटा तो ये वाली रिंग भी एरोमेटिक बन गई और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक बन गई, तो एरोमेटिसिटी तो स्टेबिलिटी दे रही है, तो इस वजह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओके ठीक है। तो एक इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी, पॉजिटिव और इस रिंग में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, RH रियल हाइब्रिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूल किस भी फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, हमें उसको एरोमेटिक ही बोलना है। क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन जैसे वो किसी भी फॉर्म में दे रहा हो, ये किसी तरीके से एरोमेटिक बन सकती है, बन सकती है अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ूं। तो ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई और ये वाली रिंग भी एरोमेटिक हो गई, तो अगर मुझे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आएगा तो वो क्या होगा, एरोमेटिक ही कहलाएगा, क्योंकि वो इस तरीके से बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड क्या करेगा, अपनी दोनों रिंग्स को एरोमेटिक बना लेगा और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, और ये साथ में देखा जाए, जरूरी नहीं कि साथ में ही पास हो, अगर मैं इसमें आगे रेजोनेंस दिखा दूं कुछ ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूं तो एरोमेटिक क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये और ये, अब देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे लोकलाइज्ड भी नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑल दो ही वो रिपल्शन, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी पूरी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो रिपल्शन वाला फैक्टर था, तो जो हम पहले कंसिडर कर रहे थे, वो वैसे यहाँ पे कम हो चुका है, और इन टर्न क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी और मिल रही है एरोमेटिक होने से, तो इस वजह से यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लास्ट हमने यहाँ पे कुछ पॉसिबल है ऐसी रेजोनेंस जैसी अभी तक हमने करी, yes ma'am, यहाँ पे भी वही डबल बॉन्ड ब्रेक करके हो सकता है। किस तरफ तोड़ू, छोटी वाली रिंग की तरफ या फिर सेवन मेंबर्ड वाली रिंग की तरफ? मैम सेवन मेंबर्ड, सेवन मेंबर्ड रिंग की तरफ। चलो तोड़ के देख लेते हैं, एक सेकेंड, तोड़ा मैंने इसको, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और इस पे आया नेगेटिव चार्ज,
तो अब देखो दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है क्या? नो मैम, नहीं है ना, ये तो बन रही है एरोमेटिक हमारी, लेकिन ये क्या बन रही है? नो मैम, नहीं बन रही। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, इस वजह से ये वाली चीज यहाँ पे नहीं होगी, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको वाले कंपाउंड को अगर में आ गया तो हम इसको एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम इसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ये सिंपली ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ओके मैम। हाँ मैम, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ मतलब स्मेल होती है कैरेक्टरिस्टिक, तो मैम जो एंटी एरोमेटिक होती है उनकी भी होती है कैरेक्टरिस्टिक मेन होती है? मैम जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी हाँ? कुछ स्मेल रहती है कंपाउंड की, स्मेल रहती है, हाँ जी, तो मैम एंटी एरोमेटिक की भी होती है स्मेल रहती है? तुम्हें ऐसे किसने बताया कि मेन स्मेल रहेगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की? मतलब क्या सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में से एक जैसी स्मेल आएगी, ये कह रहे हो? एक जैसी नहीं, मतलब मैम वो कुछ एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे, अरोमा प्रोड्यूस करते हैं। एक एरोमेटिक कैरेक्टर की बात कर रहे हो या फिर जैसे, अच्छा तुम्हें देख के पता चल जाए ये बोल रहे हो? मैम एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब इंसेंस एरोमा पोजेस करते हैं वो कुछ ना कुछ। हाँ मतलब जैसे फिजिकली अगर तुम देखो तो तुम्हें दिख जाए, ये कह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, फिजिकल कैरेक्टर। देखो फिजिकली हमने बेंजीन वगैरह तो चलो मिल जाएंगे तुम्हें देखने को, काफी स्टेबल है। पहली बात तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तुम्हें देखने कितने अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल है, अनस्टेबल चीज के एग्जिस्ट करती है इजिली, हो सकता है तुम नॉर्मली देख भी ना पाओ उसे, क्या मतलब क्या एग्जिस्ट ही ना कर रही हो क्या रूम टेम्परेचर पे, क्या उस तरीके से देख पाओ? मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा एंटी एरोमेटिक चीज़ों को लेके, क्या फिजिकली कहीं पे यूज भी करी हो ना? मैंने यूज करते हुए देखा और वैसे भी नहीं देखा, क्या सिंपली कभी लैब्स में अगर कोई एंटी एरोमेटिक चीज रखी हो? नहीं, बेंजीन वगैरह बहुत यूज होता है, नेफ्थलीन हम देखते हैं, नेफ्थलीन हम घर में यूज करते हैं, बेंजीन यूज होता है काफी, एंथ्रासीन फ्लैंथ्रीन भी लैब्स में यूज होता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कभी लैब्स में नहीं यूज करते हुए देखा मैंने, ठीक है। बाकी मैं देखूंगी अगर कुछ ऐसा मिलता है तो बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ओके मैम, ठीक है। एक तरीके के क्वेश्चंस हैं अब जो हमें करने हैं, अगर इसमें BR हो और इसमें हम क्या डालें, AgNO3 डालें, एक्वस, एक्वस AgNO3 है तो वो Ag प्लस और NO3 माइनस आयंस में होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, अभी और भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस लिखेंगे, सब में हम एक्वस AgNO3 डालेंगे, तो हमें देखना है कि हम ये आपस में रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे। तो Ag इस BR से रिएक्ट करके क्या बना सकता है? AgBr बना सकता है। AgBr का कलर कैसा होता है पता है? येलो, येलो। तो ये येलो पीपीटी आती है इसकी AgBr की, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई है, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें पीपीटी मिली या नहीं मिली? पीपीटी मिल गई तो यानी कि रिएक्शन हुई है, पीपीटी नहीं मिली यानी कि रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो हाँ, प्लस अगर ये बनेगा यानी कि Br- निकला होगा, Br- निकला होगा तो यहाँ पे क्या बचा होगा? प्लस, और यहाँ पे स्टेबिलाइज करने के लिए NO3-, तो बेसिकली एक सॉल्ट की टाइप है ये, लेकिन ये सॉल्ट कैसा है, स्टेबल सॉल्ट होगा या अनस्टेबल सॉल्ट होगा? स्टेबल, स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये रिंग कैसी है, जो हमें जो कैटायन मिला क्या है एरोमेटिक है ना? यस मैम, तो ये एरोमेटिक सॉल्ट है, तो इस वजह से वाली रिएक्शन हो रही होगी, हमें येलो पीपीटी यहाँ पे मिलेगी। तो अब आगे जो भी मैं पूछूंगी मुझे बताना कि हमें येलो पीपीटी आगे इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में। चलो इसमें BR है, इसमें मैंने सेम एक्वस AgNO3 डाला, बताओ मुझे येलो पीपीटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बताओ जल्दी जल्दी, अब तो इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए एरोमेटिक। नो मैम, नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि अगर मान लो मिलती तो हमें क्या मिलता साइड में, सॉल्ट कैसा मिलता? इस पे पॉजिटिव चार्ज आता, तो ये क्या है, एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है? एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है ना, 4π इलेक्ट्रॉन्स है इसमें और कंटीन्यूअस डीलोकलाइजेशन है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक है तो अनस्टेबल चीज क्यों बनेगी? नहीं बनेगी, वो सिंपली ऐसे रहेगा, वो नहीं करेगा इसके साथ रिएक्शन, नहीं हमें मिलेगी, नो येलो पीपीटी ऑफ AgBr।
no yellow PPT of AGVR is formed. ठीक है, समझ आ रहा है कैसे देखने हैं क्वेश्चन से वाले? यस मैम। और बच्चे बाकी जो सब चुप हैं? अब इसमें बताओ जल्दी से, होगा नहीं होगा? मैम होगा, होगा। AGVR मिलेगा हमें, AGVR की येलो पीपीटी मिलेगी। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला केटायन, ट्रोपीलियम केटायन, ये स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रोपीलियम एरोमेटिक सॉल्ट है ये। ठीक है, इसमें भी सेम चीज डाली, एक्वस AgNO3, बताओ मिलेगी येलो पीपीटी या नहीं? यस मैम, यस मैम मिलेगी, मिलेगी। अच्छा ठीक है, बना के देखते हैं। AgBr, AgBr, Br निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे? पॉजिटिव, क्या है ये है क्या? अनस्टेबल मैम, नहीं मिलेगी। स्टेबल है ये? नो मैम नहीं। फिनाइल के ऊपर केटायन? नो नॉट स्टेबल। नो मैम अनस्टेबल है। स्टेबल है, नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन एरोमेटिक होगा, अच्छा मैम, क्योंकि कॉन्जुगेशन तो पॉजिटिव साइन से ब्रेक नहीं हो रही इसमें। कॉन्जुगेशन पॉजिटिव साइन से ब्रेक हो रही है, अच्छा। अच्छा, हमने अभी तक कैसे कैसे एग्जाम्पल कर लिए हैं? हमने कर लिए हैं ऐसे एग्जाम्पल, चार्ज वाले जो भी मैं बता रही हूँ, ऐसे एग्जाम्पल। ठीक है, हमने कोई एक्सा एग्जाम्पल करा है क्या? कार्बन पे डबल बॉन्ड भी और पॉजिटिव चार्ज भी हो, करा है? नो मैम, नो मैम नहीं करा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इस कार्बन पे डबल बॉन्ड भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ, किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा या कम स्टेबल होगा? मैम ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर मैं sp3 कार्बन की बात करूं, स्टेबल होगा। और मैं sp2 कार्बन की बात करूं, पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा? sp2, sp3, sp3 पे ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव चार्ज, ना कि sp2 पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? sp2, sp2 या sp2 कार्बन? sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? sp3 कार्बन पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फ्लोरीन की बात कर रही थी, ऑक्सीजन की बात कर रही थी, नाइट्रोजन की बात कर रही थी, फ्लोरीन पे प्लस लगा दिया, ऑक्सीजन पे प्लस लगा दिया, नाइट्रोजन पे प्लस लगा दिया, कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है इन तीनों में से? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये चीज कराई थी ना मैंने? Yes, ma'am. इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। और सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल किस पे? नाइट्रोजन पे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो इन सब में सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है? फ्लोरीन। और हमने उससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो वो कैसे सिस्टम बनाएगा? अनस्टेबल बनाएगा ज्यादा। ठीक है, इसके ऑल द नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फ्लोरीन के कंपेरिजन में तो वो कम है ना, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करूँ। सिमिलरली sp3 और sp2 कार्बन की बात करूँ, हमने हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट देखा था, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। s कैरेक्टर sp3 और sp2 में किसमें सबसे ज्यादा है? sp2 में, sp2, sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। इस वजह से अगर मैं sp3 कार्बन और sp2 की कार्बन की बात करूँ, तो पॉजिटिव चार्ज उस पर कम स्टेबल होगा sp2 कार्बन पे। तो जब भी हम अभी कार्बोकेटाइन्स पढ़ रहे थे, हम वो sp3 कार्बन पे ही पढ़ रहे थे, हमने sp2 कार्बन पे अभी तक कोई कार्बोकेटाइन नहीं पढ़ा है, अभी तक की बात कर रही हूँ। और रही बात फिनाइल की, अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूँ, बेंजीन के ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूंगी तो वो तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। फिनाइल पे क्या है, एक तरीके से डबल बॉन्ड ही तो है ना कार्बन, ये जो सारे कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज है, इसे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया है,
ऊपर से एक तो एरोमेटिक सिस्टम था, तो एरोमेटिक पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो इसकी रेजोनेंस पे भी हिंड्रेंस दे रहा होगा। तो ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन है, इसको बोलते हैं फिनाइल कार्बोकेटायन, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल होता है, ये एक रीजन भी होता है इसका, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता हमारे बेंजीन, आगे आई ये चीज, क्या बेंजीन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देती, वन ऑफ द रीजन इज ये। न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए हमारे सब्सट्रेट पे, और बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो स्टेबल नहीं होगा, ये जो डायरेक्टली सिर्फ बेंजीन है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं करेगा इस पे, जो करता है वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में करता है, तो ये क्या होता है, वेरी अनस्टेबल, इस वजह से ये नहीं बनेगा, येलो पीपीटी हमें नहीं मिलेगी, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ आई? यस मैम, यस मैम। बाकी सब? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके, तो अभी तक जो पढ़ा इसमें, चलो कुछ ना क्वेश्चंस लिख लो, क्वेश्चंस ट्राई करके आना, ठीक है, क्वेश्चंस और लिख लो। तो मैं क्वेश्चन यही दे रही हूँ कि विच विल गिव पीपीटी, वही होगा विच विल गिव येलो पीपीटी विद एक्वस एज एनर्जी। एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन पे येलो पीपीटी कौन देगा? तो फर्स्ट इज, ये ना नंबर याद रखना जिस नंबर पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, वरना बार बार बनाना पड़ जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CHBr, 3 इज PH CH2Br, 4 इज Br। नेक्स्ट पे कर दूं मैं, नेक्स्ट टर्न पेज और देना है मुझे, लिख रहे हैं यहाँ तक? यस मैम, ठीक है। फिफ्थ इज बी आर, सिक्स इज सेवेंथ इज एट इज दिस। तो ये है, इन जो आठ जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनमें से बताना है कि किसके साथ AgNO3 रिएक्ट करके येलो पीपीटी देगा और किसके साथ नहीं देगा, ठीक है। तो नंबर्स इनके मार्क कर लो, क्या 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 नंबरिंग पे लिखे हुए हैं, मुझे बताना कल नेक्स्ट क्लास में, कल तो नहीं, 17 और 18 को क्लास नहीं होगी, 19 को बताना, ठीक है। और ये सब जो पढ़ाया है सब पढ़ के रखना, भूल मत जाना दो दिनों में। ओके मैम, चलो ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना